तो नेक्स्ट हमारे पास भाई कम्बिनेशन। अब तक हमें पढ़ा था परमोटेशन, अब हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन होता है क्या, बेसिक मीनिंग इसका क्या होता है, पहले तो वो हम पढ़ेंगे। पर इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो भी फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। कम्बिनेशन एक प्रकार से होता है सिलेक्शन। मान लीजिए आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास मान लीजिए 20 और कैंडिडेट हैं, और वो हमारे पास मान लीजिए 2000 है। तो ये जो 20 पोस्ट हैं इनमें से हमें 20 टोटल 2000 में से हमें 20 मेंबर हमें सेलेक्ट करने हैं। 20 आदमियों का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो है हमारे पास कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का जनरली मीनिंग ये होता है सिलेक्शन। कम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो ये जो सिलेक्शन होता है वो हमारा डिपेंड करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के ऊपर। वो हम बाय रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, हम बाय या फिर रिटन टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट ले सकते हैं, या फिर हम इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा डिफरेंट वे के ऊपर। तो कम्बिनेशन का सीधा सीधा बेसिक जो मीनिंग है वो होता है हमारा सिलेक्शन करना। सपोज वी हैव फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमारे पास फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो एग्जाम्पल हो देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उनके नाम है ए बी और सी और डी, ठीक है। टेकिंग टू एट ए टाइम वी हैव टू मेक कम्बिनेशन, कोई भी दो एक साथ लेने हमें, तो दो एक साथ लेके हम कम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे ए और बी बना दिया हमने, ए और सी बना दिया, ए और डी बना दिया, इसी प्रकार बी और सी बना दिया, बी और डी बना दिया, सी और डी बना दिया। तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट पॉसिबल, सेम नहीं होने चाहिए। जो अरेंजमेंट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, टोटल अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट। अब इसको अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें तो ए बी और एक बी ए भी बन सकता है, ए सी और सी ए भी बन सकता है, ये ए डी है तो ये डी ए भी बन सकता है। लेकिन कम्बिनेशन के अंदर ये नहीं होता, कम्बिनेशन के अंदर सिर्फ डिफरेंट ही होंगे, वो दोनों ये डिफरेंट होने चाहिए। फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, इसका मतलब ये नहीं है बी और ए भी उसके अंदर हम इंक्लूड करें, वो हम इसके अंदर नहीं लेंगे। और इस प्रकार टोटल पॉसिबल वे हम निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हम काउंट करें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, टोटल वे ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिक्स हो जाएंगे। तो चार में से कोई भी दो एक साथ लेते हैं तो टोटल पॉसिबल वे हमारे पास क्या हो जाते हैं, छः हो जाते हैं। तो इसको हम लिख ले, मान लीजिए 4C2 कम्बिनेशन ऑफ या सिलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम आउट ऑफ फोर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिक्स के इक्वल हो जाएगा। और सिक्स क्या होता है, 3 factorial के इक्वल हो जाएगा। तो 4C2 है, ये 3 factorial के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। और इसको हम लिख सकते हैं ये एक जनरल फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, जो एन सी आर होता है ये हो जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा एन सी आर, ये हमारे पास फार्मूला है एन सी आर, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या कम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस में आर फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारे पास कम्बिनेशन। और जो एन पी आर होता है वो क्या होता है हमारे पास, एन पी आर जो होता है वो हो जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। तो ये होता है हमारे पास एन पी आर, और एन सी आर हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें एन सी आर इंटू में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा एन पी आर के इक्वल। तो ये जो एन सी आर है इंटू में आर फैक्टोरियल हम करें तो ये एन पी आर फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो रिजल्ट है हमारे पास
एन सी आर है ये है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल। यहाँ पे यदि हम आर की वैल्यू ज़ीरो लें तो ये हो जाएगा हमारे पास एन सी ज़ीरो, और ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में ज़ीरो फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस में ज़ीरो एन फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो एन सी आर है तो इसको हम यदि हम वैल्यू निकालें एन सी एन माइनस आर की तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में ये एज इट इज़ एन माइनस में आर फैक्टोरियल एज इट इज़ आर इन टू में हो जाएगा एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में, और ये क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ये वैल्यू क्या हो जाएगी एन सी आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, और वो है एन सी आर है वो इक्वल हो जाएगा एन सी एन माइनस आर के इक्वल, एन सी आर है वो इक्वल हो जाएगा एन सी एन माइनस आर के इक्वल। और नेक्स्ट रिजल्ट है वो हमारे पास इफ़ एन सी एक्स इक्वल हो एन सी वाई के, एन सी एक्स इक्वल हो एन सी वाई तो दिस इम्प्लाइज आइदर एक्स इक्वल टू वाई, और या तो एक्स इक्वल टू वाई होगा या फिर एक्स प्लस में वाई है, एक्स प्लस में वाई है वो इक्वल हो जाएगा एन के इक्वल। तो ये फार्मूला हमारे पास एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, या तो x इक्वल टू वाई होगा या फिर x प्लस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा n के इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट रिजल्ट है यहाँ पे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और वो है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये एन सी आर है प्लस एन सी आर माइनस वन है, ये दोनों वैल्यू दोनों के अंदर क्या है सेम है, और ये वैल्यू अल्टरनेट वैल्यू है, एक r है तो एक n माइनस आर है, तो ये इक्वल हो जाएगा एन प्लस वन सी आर के इक्वल। तो ये इक्वल हो जाएगा एन सी एन प्लस वन सी आर के इक्वल। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसके अंदर, इनके बेस के ऊपर हमारी एक्सरसाइज है 7.4, वो देखिए क्या है। फाइंड एन सी इफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास इफ एन सी एट है वो इक्वल है एन सी टू के, फाइंड एन सी टू, एन सी टू की वैल्यू हमें निकालनी है, एन सी एट है वो एन सी टू के इक्वल है। तो एक फार्मूला भी पढ़ा था हमने, या डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे मान लीजिए खोलेंगे हम पहले इसको, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल n माइनस में 8 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस में 2 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस में 2 फैक्टोरियल, ये इक्वल हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे जिससे दोनों रिजल्ट हमारे क्या हो जाएं इक्वल हो जाएं। मान लीजिए n की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 4, ये 2 से तो ज़्यादा ही होगी, ये 4 लेते हैं हम, तो यहाँ पे फिर n माइनस में 8 फैक्टोरियल है, और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो और भी थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा n माइनस में 2 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा हमारे पास n माइनस में 8 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये 2 से कैंसिल होके 4 आ जाएगा, और अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस करते जाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस में 2 n माइनस में 3 n माइनस में 4 अप टू n माइनस 7, और ये आ जाएगा n माइनस में 8 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा n माइनस में 8 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। अब हीट एंड ट्राई मेथड से हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों रिजल्ट को क्या करें
प्रूव करे, या डायरेक्ट जो हमने रिजल्ट पढ़ा था फोर्थ रिजल्ट, और वो था हमारे पास ये रिजल्ट, इफ़ एन सी एक्स इक्वल टू थर्ड रिजल्ट एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो यहाँ पे दो केस होंगे, या तो एक्स इक्वल टू वाई होगा या इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा एन के इक्वल हो जाएगा। ये रिजल्ट हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एन सी एट है ये इक्वल है एन सी टू के इक्वल, तो या तो हमारे पास एट इक्वल टू टू होगा तो ये इक्वल नहीं है, और दूसरा केस ये हो जाएगा एट प्लस में टू है वो एन के इक्वल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी दस आ जाएगी, और दस यहाँ पे हम रखते हैं तो ये हो जाएगा टेन सी टू, और ये वैल्यू हो जाएगी टेन फैक्टोरियल अपॉन में टू फैक्टोरियल इंटू में एट फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा टेन इंटू में नाइन इंटू में एट फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू में एट फैक्टोरियल, ये एट फैक्टोरियल से एट फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये टू से फाइव तो नाइन इंटू में फाइव ये फोर्टी फाइव आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास 45, ये हमारे पास डायरेक्ट है। और यहाँ हम हिट एंड ट्राई मेथड से एन की वैल्यू पुट करेंगे, फोर रखेंगे, फाइव रखेंगे, सिक्स रखेंगे, तो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, तो डायरेक्ट रिजल्ट हम लगा के इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन एन, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, डिटरमाइन एन इफ़ टू एन सी थ्री रेशो एन सी थ्री और ये इक्वल हमारे पास 12:1, तो ये एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम फ्रैक्शन के अंदर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू एन सी थ्री अपॉन एन सी थ्री और ये हो जाएगा 12/1, और इसको हम खोलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n(3) और 2n-3, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इधर 3 इधर और n-3, और ये हो जाएगा 12/1, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2n इंटू n-3 जो फैक्टोरियल है वो अपॉन हो जाएगा ये n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2n-3 और ये हो जाएगा 12/1। अब देखिए यहाँ पे 2n है तो इसको हम तोड़ेंगे तो 2n- तक ये आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2n, इससे कम 2n-1, इससे कम 2n-2 और इससे कम हो जाएगा 2n-3। ये और ये यदि हम लेते हैं तो इनमें से n फैक्टोरियल बड़ी टर्म है तो ये n-3 एज इट इज़ हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2n-3 इंटू ये n, ये n-1, ये n-2 और ये n-3 और ये हो जाएगा 12/1, तो n-3 से n-3 कैंसिल हो जाएगा और इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा और 2n-3 से 2n-3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है उनको हम मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, ये दो वैल्यू बची है हमारे पास 2n-1 इंटू में 2n-2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n² माइनस का 4n होगा माइनस का 2n तो ये माइनस का 6n और प्लस का 2 अपॉन हमारे पास हो जाएगा n-1 इंटू n-2, और ये इसको भी हम सिंपलीफाई बाद में करेंगे, एक बार और कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो रही है यहाँ पे, और वो क्या है ये हमारे पास 2n-1 और यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये n-1 रहता है और नीचे है n-1 और n-2 और ये है 12/1, तो ये n-1 से ये n-1 भी कैंसिल हो रहा है और ये 2 से ये 6 हो रहा है हमारे पास। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास तो 2n-1/n-2 दिस इज 6/1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 2n-1 इक्वल टू 6n-12 एंड 4n इक्वल टू 11
ये हो जाएगा हमारे पास 4n इक्वल टू, ये माइनस वन है, ये प्लस के 12 हो जाएंगे, तो 11 n इक्वल टू 11 अपॉन में 4, ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आ रही है और ये कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। तो हम चेक करेंगे कहाँ पे मिस्टेक हुई हमारे पास। एक ये 2 मल्टीप्लाई में और है हमारे पास, तो ये 2 और मल्टीप्लाई में करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए क्या आती है वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस में 1 इक्वल हो जाएगा 3n माइनस में 6, और ये हो जाएगा हमारे पास n इक्वल टू 5, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 5, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू हमारे पास। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो है हाउ मैनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट हमारे पास 21 ओन ए सर्कल, सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट से कॉर्ड हम किस प्रकार ड्रा कर सकते हैं। तो ये कोई भी सर्कल है, इसके ऊपर मान लीजिए डिफरेंट पॉइंट हम लेते हैं 21, और यहाँ से हम कोई भी कॉर्ड ड्रा करते हैं, वो कितने पॉसिबल वे में हो जाएगी। तो जो कोई भी कॉर्ड लेंगे हम, वो कोई भी दो पॉइंट के ऊपर से पास होगी, कोई भी दो पॉइंट हम लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास क्या 21 है, और टू पॉइंट एक साथ लेंगे तो उससे हम एक कॉर्ड बनाते हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वे हो जाएंगे हमारे पास 21C2। और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस में 2 19 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू में 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू में क्या है 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से ये 10, तो ये हो जाएगा 210। दीज आर द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉर्ड विच कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 21 ऑन द सर्कल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास, और वो है इन हाउ मैनी वे कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज, टीम के अंदर है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल, बी सिलेक्टेड फ्रॉम, और ये सिलेक्ट करने हमें 5 बॉयज एंड 4 गर्ल, कोई भी टीम बनानी हमें जिसके अंदर 3 बॉयज होंगे और 3 गर्ल होंगे, और जो सिलेक्शन करना है हमें वो 5 बॉयज में से और 4 गर्ल में से। तो 5 बॉयज में से हमें कितने बॉयज लेने हैं 3 लेने हैं, तो टोटल 5 बॉयज हैं, उसमें से सिलेक्शन करना 3 का, एन टू हो जाएगा हमारे पास, टोटल गर्ल कितनी हमारे पास 4 है, सेलेक्ट कितनी करनी है हमें 3 करनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 4 इंटू में 3 अपॉन हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 और ये 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 1, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 आ जाएगा, तो ये 10 इंटू में 4 इक्वल टू 40, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखिए फाइंड द नंबर ऑफ वे, क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल, 9 बॉल हमें सेलेक्ट करनी है फ्रॉम, और ये किस में सेलेक्ट करनी है हमें 6 रेड बॉल में से, 6 रेड प्लस 5 वाइट और प्लस है 5 ब्लू बॉल, टोटल हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, और 6 रेड बॉल हमारे पास 5 वाइट बॉल है 5 ब्लू बॉल है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, और हर एक कलर के अंदर 3 बॉल एक टाइप की होनी जरूरी है, तो टोटल 9 है, तो वो हम कर सकते हैं 6 में से कोई भी, 6 में से हम ले लें कोई भी 3 रेड बॉल इंटू में 6 ये 5 वाइट बॉल हैं, उनमें से हम ले लें कोई भी 3 वाइट 5C3 और 5 ब्लू बॉल हैं, तो उनमें से हम कोई भी 3 ब्लू बॉल ले लें,
तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल पॉसिबल वे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है और वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड। 5 कार्ड हमें लेने हैं, 5 कार्ड हमें लेने हैं आउट ऑफ 52, ठीक है। और कंडीशन है इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस ऑन ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर एक कार्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, एस कार्ड होना चाहिए, वन एस कार्ड, वन एस कार्ड। तो एक कार्ड हमारे पास कंपलसरी एस कार्ड होना चाहिए। अब हमारे पास टोटल एस कार्ड कितने हैं, 4 हैं, तो 4 एस कार्ड में से कोई भी एक कार्ड हम निकाल सकते हैं, तो ये वे हो जाएगा 4C1। अब हमें टोटल कार्ड तो क्या लेने हैं, 4 लेने हैं, 4 में से एक तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, अब बचे हुए जो कार्ड हैं वो कितने रह जाएंगे हमारे पास, 52 में से 4 घटाएंगे हम तो ये 48 हो जाएगा, और 48 में से कोई भी 4 कार्ड हम निकाल सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और वो हमारे पास, इन हाउ मैनी वे कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, टोटल 5 कोर्स हैं, 5 कोर्सेज हैं, इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल, टोटल 9 में से हमें 5 लेने हैं, टोटल 9 कोर्स में से 5 कोर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब इसमें से देखिए 9 में से 2 तो स्पेशल हैं, वो तो सभी के लिए कंपलसरी है, मतलब टोटल हमने 5 लेने हैं, 5 में से 2 कंपलसरी ऑलरेडी हैं, तो वो तो हमें लेने ही लेने हैं, वो तो वन वे हो गया। अब टोटल हमें कितने और सेलेक्ट करने हैं, वो हमें करने हैं 3 और करने हैं, टोटल कितने कोर्स, अब 9 में से 2 तो कंपलसरी हैं, तो बचे कितने हमारे पास, 7 बचे, तो 7 में से कोई भी 3 कोर्स हम किस प्रकार ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा 7 factorial upon 3 factorial into 4 factorial। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th, और ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7.4। तो इस ये मेन मेन फार्मूले हैं, इनके बेस के ऊपर आपका चैप्टर 7th है वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो भी एग्जांपल हैं, जो भी अनसोल्व क्वेश्चन है वो आप सोल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो।